हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक बाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशन कम्स फोर एडिशंस इन विंडोज सर्वर 2012 R2। हमारी जो विंडोज सर्वर 2012 R2 है इसके टोटल चार एडिशन होते हैं। पहला जो एडिशन है वो हमारा फाउंडेशन एडिशन है, दूसरा हमारा एसेंशियल है, तीसरा एडिशन हमारा स्टैंडर्ड का है एंड चौथा हमारा डेटा सेंटर एडिशन है। ये जितने भी एडिशन आप देख रहे हैं चारों के चारों, इन चारों के चारों में आपके जो फीचर्स हैं वो सभी में आपकी अलग अलग हैं। उनके बारे में अभी हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। नॉट 32-bit एडिशन, ओनली 64-bit। आपका जो सर्वर 2012 R2 का जो एडिशन है, ये आपके जितने भी एडिशन आपके आते हैं चारों के चारों, ये 64-bit में होते हैं। यानी आपका सर्वर 2012 R2 जो है वो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। अब ये 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होती हैं, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दोनों के बीच में कंपेरिजन करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि जो हमारा विंडोज सर्वर 2012 R2 का जो एडिशन है वो चारों के चारों जो एडिशन हैं ये ओनली 64-bit में ही आते हैं। डज नॉट सपोर्ट इटानियम बेस्ड प्रोसेसर, मींस आपका जैसे कि i3, i5, i7 आपने प्रोसेसर के बारे में सुना होगा, वैसे ही इटानियम बेस्ड एक प्रोसेसर होता है जो कि इंटेल बनाता है, और इस प्रोसेसर पे भी हमारा जो सर्वर 2012 R2 है ये सपोर्ट नहीं करता है। मींस आपका ऐसा मदरबोर्ड जिसमें आपका इटानियम का प्रोसेसर लगा होगा उस सिस्टम पे आपका ये विंडोज सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन एडिशन के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम आज देखते हैं। पहला जो है ये दिस इज द चीपेस्ट एडिशन, ये हमारा सबसे पहला एडिशन होता है सर्वर 2012 का जो काफी सस्ता होता है। मैक्सिमम रैम सपोर्ट 32 GB, फाउंडेशन एडिशन के अंदर आपका मैक्सिमम 32 GB रैम ही सपोर्ट करता है। मैक्सिमम सीपीयू 1, आपका इसमें एक सीपीयू ही सपोर्ट करता है, इससे ऊपर आप सीपीयू आप इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। नो हाइपर वी एंड सर्वर कोर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हाइपर वी है एक ये सर्वर का ही फीचर है, इसके बारे में भी हमारी अलग से एक टॉपिक रहेगी। आपको किसी भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है, जो जो टॉपिक अभी आपको देख रहे हैं सिर्फ आपको सिर्फ उसके बारे में समझना है, ये टॉपिक ये चीज है। इसके बारे में जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे हाइपर वी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हाइपर वी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, यानी एक फीचर होता है जिसमें आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके फाउंडेशन एडिशन के अंदर आपका हाइपर वी का जो फीचर होता है वो नहीं होता है। एंड सर्वर कोर की बात करें, सर्वर कोर एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज सर्वर 2012 का ही, ये आपका CUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है हमारा, यानी इसमें आपका किसी भी तरह का कोई ग्राफिक नहीं होता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और ये कैसा दिखता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सर्वर कोर एक ऐसा मतलब ऐसा एडिशन है जिसमें आपका कोई ग्राफिक नहीं होता है, ओनली कमांड लाइन होता है। लिमिट टू 15 यूजर्स, आप अगर फाउंडेशन एडिशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके इसके अंदर यूजर की जो लिमिटेशन है वो 15 की होती है, यानी आप 15 से ज्यादा यूजर आप इस एडिशन के अंदर नहीं यूज कर सकते। डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेस फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग, इसका जो डिजाइन है वो आपका स्मॉल बिजनेस के लिए किया गया है, जहां पे आपके लिमिटेड यूजर्स होते हैं, मीन्स 5, 7, 10, 15, इनके लिए इस एडिशन का डिजाइन किया गया है। और इसका जो यूज है बेसिकली फाइल शेयर करना, प्रिंटिंग वगैरह, प्रिंट वगैरह यूज करना, इस चीज के लिए फाउंडेशन एडिशन का यूज किया जाता है। डिफॉल्ट टू डैशबोर्ड, मीन्स इसका जो डैशबोर्ड है मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसका डैशबोर्ड है, एक सिंपल डैशबोर्ड है,
अभी आपको ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी क्या चीजें हैं, लेकिन जब हम आगे इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, सर्वर्स के ऊपर काम करेंगे, तो आपको ये धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक बेसिक इसका डैशबोर्ड है जिसमें आपके देख रहे हो कि आपका होम है, यूजर्स है, डिवाइस है, स्टोरेज है, एप्लीकेशन है, ये कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं। तो इसके ऊपर हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये हमारा फाउंडेशन का डैशबोर्ड है। एसेंशियल एडिशन सपोर्ट 25 यूजर्स। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट हमने बात की थी अभी फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन की जो लिमिट थी वो 15 की थी, लेकिन एसेंशियल में आपका 25 यूजर का सपोर्ट है, मींस आप 25 यूजर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम रैम रैम सपोर्ट 64 GB। एसेंशियल के अंदर जो रैम का जो सपोर्ट है वो 64 GB तक ही सपोर्ट करता है मैक्सिमम, इससे ऊपर की रैम अगर आप यूज करना चाहते हैं आप नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम आप 2 CPU को यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपका हाइपर वी एंड सर्वर कोर का फीचर नहीं होता है। वन फिजिकल और वर्चुअल इंस्टॉल, मींस आप इस एडिशन को एक फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम आगे वर्चुअल के ऊपर काम करना करेंगे, तो वहां पे आपको वर्चुअल पे कैसे हम चीजें इंस्टॉल करते हैं तो हम आपको वहां पे बताएंगे। तो मींस इसका जो एसेंशियल का जो हम यूज करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, वो एक या तो आप फिजिकल में कर सकते हैं या आप वर्चुअल में। डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेस, यस ऑब्वियसली इसका भी जो यूज है वो स्मॉल बिजनेस के लिए किया गया है। स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन के ऊपर बात करते हैं अभी हम। कंटेन ऑल विंडोज सर्वर 2012 फीचर्स, मींस आपके सर्वर 2012 के अंदर जितने भी फीचर्स कंटेन करते हैं वो सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर में आपको मिलता है। जैसे कि फाउंडेशन और एसेंशियल में हमने देखा था कुछ लिमिटेशंस थी, वो यहाँ पे वो लिमिटेशंस नहीं है। मींस आपके सर्वर 2012 के जितने भी फीचर्स हैं आप वो स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर दोनों में ही यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके अंदर 2 वर्चुअल मशीन आप यानी 2 वर्चुअल इंस्टेंस मतलब 2 वर्चुअल मशीन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कहने का मतलब सिंपल। वही डेटा सेंटर के अंदर बात करें कि हमारे पास जो वर्चुअलाइजेशन की जो लिमिटेशंस होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितने मर्जी वर्चुअल इसके अंदर क्रिएट करके आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर शायद आपको कुछ कंफ्यूज हो गई हो, रह गई हो। स्टैंडर्ड के अंदर जब देख रहे हैं 2 वर्चुअल इंस्टेंस, मीन्स आप अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं तो आप 2 वर्चुअल मशीन के अलावा आप तीसरा वर्चुअल मशीन आप इसके अंदर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन बना के आप इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जब हम वर्चुअल के ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो बस ये है कि 2 स्टैंडर्ड के अंदर जो वर्चुअल इंस्टेंशन यूज होती है, लेकिन डेटा सेंटर के अंदर हमारी अनलिमिटेड यूज होती है। नो अवेलेबल वाया रेंटल चैनल, मीन्स आप डेटा सेंटर एडिशन की बात करें, हम स्टैंडर्ड की नहीं बात कर रहे, हम इस टाइम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर का जो लाइसेंस है वो आपको रिटेल पे नहीं मिलेगा, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट से प्रॉपर लेना पड़ेगा। मीन्स आपको ये रिटेल पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, डेटा सेंटर का जो यूज होता है वो बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। जैसे बड़े बड़े सेंटर डाटा सेंटर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर हो गया, गूगल का डेटा सेंटर हो गया, तो वहां पे आपका डेटा सेंटर एडिशन ही यूज होता है। स्टैंडर्ड एडिशन भी आपका आप कह सकते हैं कि जो फीचर्स तो है वो दोनों ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एडिशन की हम बात करें, स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर आपकी जो यूज है वो मीडियम लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है, लेकिन डेटा सेंटर का जो यूज होता है वो बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ सर्वर 2012, हम सिर्फ स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर के फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है दोनों के बीच में, वो हम देख रहे हैं। प्रोसेसर जो है आप स्टैंडर्ड के अंदर मैक्सिमम 64 प्रोसेसर ही आप यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, और वही आप डेटा सेंटर में देख सकते हैं कि इसमें भी सेम 64 आप प्रोसेसर को जो है यूज कर सकते हैं।
रैम की बात करें, रैम जो है स्टैंडर्ड एडिशन में मैक्सिमम 64 GB तक सपोर्ट करता है, और डेटा सेंटर के अंदर आपका 4 TB तक, यानी टीबी यानी टेरावाइट आप यूज कर सकते हैं रैम। हाइपर वी एंड सर्वर कोर का जो फीचर्स है आपको दोनों में ही अवेलेबल होता है। तो ये जो टॉपिक था हमारा आज का था वो था सर्वर के एडिशंस के ऊपर। आई होप कि आपको सर्वर के जितने भी एडिशंस मैंने आपको बताए वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आपको अगर इस चीज के ऊपर कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट्स क्लियर करने में मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।